बहुत रेयर होता है स्टॉक मार्केट में कि मार्केट ओपन हो और बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक पहले एक घंटे में सात परसेंट करेक्ट हो जाए पर आज था वो दिन और इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन बजाज फाइनेंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज के दिन मार्केट में बजाज फाइनेंस करेक्ट क्यों हुआ सेकेंड फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे जाके 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक का और आपको एक कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो ये मिलने वाला है नॉर्मल वीडियो नहीं है तो लाइक अभी से ही कर दीजिएगा आपको आने वाला है काफी ज्यादा मजा सबसे पहले पॉइंट से शुरू कर दे कि आज के दिन बजाज फाइनेंस क्यों टूटा बहुत छोटा सा पॉइंट इसी से शुरू करते हैं पहला जो एयूएम की ग्रोथ रेट थी इस क्वार्टर में वो वन ऑफ दी लोएस्ट है 5.7 परसेंट पे एयूएम की ग्रोथ रेट आई है जो पिछले 10 सालों की लोएस्ट है अगर हम इसे इवन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफी कम है प्लस क्वार्टर थ्री में यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है कि फिगर्स अच्छे आएंगे जैसा हमें पास्ट ट्रेंड ने बताया है पर इस बार फिगर अच्छे आने की जगह खराब आए लोन की ग्रोथ रेट भी सिक्स परसेंट पे आई है और इवन अगर हम क्वार्टर टू से कंपेयर करें इमीडिएटली प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें उस समय भी सेवन परसेंट की थी लोन की ग्रोथ रेट जो काफी कम हो जाती है इस क्वार्टर में थर्ड न्यू कस्टमर एक्विजिशन काफी लो है देखिए न्यू कस्टमर का बेस वन ऑफ द हाइएस्ट पहुंच गया है पर जो ग्रोथ रेट है वो काफी लो है फोर्थ दो पिछले एक साल में बजाज फाइनेंस का स्टॉक 20 से 25 करेक्ट हुआ है पर अगर हम रेशियो की बात करें तो बजाज का बना देता है। and and बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है या फिर थोड़ा सा दिखाई है इस स्टॉक के रिलेटेड इसलिए हमें यह करेक्शन देखने को मिला अब हम चलते हैं डिटेल में और फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं

eps अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 2019 में था 69 का 2020 में था 89 का 2021 में 73 का पहुंच गया था एंड 2022 में 116 का है ओवरऑल eps ठीक ग्रोथ रेट है कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर हम नंबर ऑफ फंड्स यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में उसकी बात करें तो 1100 से ऊपर स्टॉक होते हैं जो पिछले क्वार्टर में 8.79% से इंक्रीज हुए और शेयर्स हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशन 19.77 करोड़ होते हैं आउट ऑफ टोटल फ्री फ्लोट ऑफ़ 26.64 करोड़ जो एक अच्छा शेयर होता है इंस्टीट्यूश के पास जब भी बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर किसी भी स्टॉक में मेजर स्टॉक होल्ड करते हैं मेजर पोजिशन होल्ड करते हैं तो उस स्टॉक में हमें लिक्विडिटी और स्ट्रेंथ मिल जाती है अगर हम ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ही स्टेबल है 55.86 परसेंट पे म्यूचुअल फंड का स्टेक 8 परसेंट से इंक्रीज होते होते 8.72 स्लाइटली इंक्रीज हुआ है इंश्योरेंस का स्टेक भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 1.29 से 2.34 पर एट द सेम टाइम एफ का स्टेक यहां पे रिड्यूस हुआ है 21.41 परसेंट से रिड्यूस होते होते 17.07 परसेंट पे पहुंच गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत नेगिलीजि है एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का स्टेक 9 परसेंट के आसपास स्टेबल है मतलब यहां पे एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली है मेजर स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स की बात करें तो पहले ऑब्वियसली बजाज फेंसर का नाम आता है 52.49 परसेंट से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आता है 3.42 परसेंट इनका स्टेक बाई दे रिड्यूस हुआ है नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र लिमिटेड थ्री पॉइंट एक्सिस म्यूचुअल अगर हम नेक्स्ट बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू में रिटर्न ऑन इक्विटी है सिक्सटी परसेंट का ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इलेवन परसेंट का यूजली टेन परसेंट के ऊपर रेगुलरली में रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉय ट्वेंटी ट्वेंटी टू का निकल के आता है से

फंडामेंटल लेवल पे स्टॉक काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है और हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अब चलते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे। अगर हम सबसे पहले कोई भी चार्ट पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे बजाज फाइनेंस के चार्ट पे तो हमें नहीं दिखेगा आज के दिन तो मैं चार्ट चार्ट पैटर्न की बात नहीं नहीं कर रहा हूं क्योंकि है ही पे पर हां कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं अगर हम बात करें वीकली बेसिस पे तो आप यहां पर चेकआउट करिएगा सेवन थाउजेंड के ऊपर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ आती है सेवन थाउजेंड के नीचे हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपने फिफ्टी वीक मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो वहां पे अवॉइड कर सकते हैं या फिर वेट एंड वाइच कर सकते हैं ये हम बात करें पोजिशनल बेसिस पे बेसिस पे मेजर सपोर्ट आता है फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड के आसपास जहां पे ये एक वैल्यू जोन पे चले जाता है चार्ट हमारे सामने है नेक्स्ट अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल में स्ट्रेंथ मिलती है सेवन थाउजेंड सेवन जीरो फाइव जीरो के ऊपर और अगर इमीजिएटली सपोर्ट की बात करें डेली कैंडल्स पे तो इमीजिएटली सपोर्ट वहीं पे है जहां पे स्टॉक खड़ा है यहां पे स्टॉक में 100 200 पॉइंट का मेरे को नहीं पता पर हां 6000 का लेवल एक इमीजिएट सपोर्ट है अगर बाउंस आना है या फिर इवन डेड कैट बाउंस आना है और फिर मार्केट में इसको नीचे सेकंड करेक्शन देना है तो वो लेवल वही होता है जहां पे आज के दिन स्टॉक खड़ा है यहां से दो तीन परसेंट का हम नहीं कह सकते पर यहां पे हमारा स्टॉक इमीडिएटली बाउंस का कैंडिडेट हो जाता है अगर इसमें आना है तो आई होप हमारा डिस्कशन बहुत क्लियर होगा। आप पे चेकआउट कर सकते हैं सिक्स थाउजेंड का लेवल वही है जहां से स्टॉक ने अपनी एक बड़ी रैली पकड़ी थी जो एक मेजर ब्रेकआउट लेवल था जो पुराना ब्रेकआउट लेवल था अब वो हो जाएगा मेजर सपोर्ट का लेवल जहां पे स्टॉक आज के दिन खड़ा हुआ है अब चलते आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टूडे

अगर आपने हमारे लिंक से डिमेट अकाउंट खुला है और प्राइवेट चैनल का पार्ट बने हैं प्रोसेस कंप्लीटेड डिस्क्रिप्शन में है तो आज के दिन मॉर्निंग होते ही ढाई दिन का फंडा अप्लाई हो रहा था अपोलो टायर में आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं बताया भी था और पांच परसेंट के सिंगल डे का मूव मिला ढाई दिन का फंडा बहुत ही इंटरेस्टिंग है ध्यान रखिएगा अगर अभी तक आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो नेगेटिव सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल 15 के नीचे है कंफर्टेबल है निफ्टी में आज के दिन ओपनिंग हुई थी 18,100 के आसपास लो बनता है 17,892 एक मेजर डिप देता है मार्केट और फिर टुवर्ड्स ही लास्ट थोड़ा सा बाउंस बैक करता है और टू पे क्लोजिंग होती है डिस्कशन आज बहुत इंपॉर्टेंट है चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसपे हम मार्केट का भी डिस्कशन करेंगे एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी कवर करेंगे जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है अभी तो ऐसा चल रहा है मार्केट में कि एक दिन लगता है कि जनरल मार्केट ट्रेन अपट्रेंड में आ जाएगा दूसरे दिन लगता है कि बहुत लोज आ चुका है डाउन ट्रेंड में और जा कहीं पे भी नया न्यूट्रल मेंटेन बना हुआ है

बाउंस बैक देखने को मिला बाउंस बैक 18,000 के ऊपर नहीं जा पाया बिकॉज 18,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी और ज्यादा टाइम बचा नहीं था अगर यही बाउंस बैक ध्यान रखिएगा आगे आपको काम आएगा अगर यही बाउंस बैक रफली एक बजे डेढ़ बजे तक स्टार्ट हो जाता तो मार्केट आज के दिन 200 सौ या ढाई भी टच कर सकता था क्योंकि इस समय बहुत हैवी कॉल राइटिंग हो रखी थी और अगर बहुत हैवी कॉल राइटिंग हो रखी हो तो ट्रैप होते जाते हैं हर एक लेवल पे आदमी और यहां पे जो पुश होता है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्कशन बाय द वे अगर आपको याद हो कि जो हमारा पहले सपोर्ट था जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट को जो 18,130, 40 के आसपास का था उसको ब्रेक किया तो अभी रेजिस्टेंस का, का काम किया कल भी और आज भी उसी लेवल से ऑलमोस्ट हमें रिवर्सल आता हुआ दिख चुका था तो ये हो गया है मेजर डिस्कशन जो हम कर चुके हैं अब अगर हम कल की बात करें देखिए कल के लिए बेस्ट बेस्टरी ये होता है स्पेशली लॉन्ग जाने के लिए या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए हल्का सा गैप डाउन ओपन हो हल्का सा गैप ओपन हो ज्यादा कहीं पे भी नहीं हो मतलब आप कह सकते सेवनटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी से लेके मार्केट एटीन थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी के बीच में ही बना रहे ओपनिंग में और ओपनिंग के एक आध घंटे यहां पे निकालने के बाद जिस भी साइड के डायरेक्शन देता है तो मिल सकता है स्पेशली अगर यहां पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद 18,050 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें बड़े लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं इवन 250 तक के लेवल्स यहां पे ओपन हो सकते हैं एक हार्डल हमें 100 के आसपास आएगा छोटा सा पर 18,050 को क्रॉस करते ही हमें धीरे धीरे यहां पे स्ट्रेंथ मिलती जाएगी और हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा और अगर हमें रिवर्सल देना है तो अगर मार्केट कभी भी कल वापस से 17,950 इमीडिएटली छोटा सा ही लेवल है 17,950 से लेकर 900 की रेंज इस रेंज को कभी भी सस्टेन नहीं कर पाता देखिए अगर डायरेक्टली मेजर गैप डाउन हो गया तो हम वहां पे शॉर्ट नहीं कर सकते कल के दिन ध्यान रखिएगा अगर कल के दिन गैप डाउन हो जाता है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो हमारा वहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब मार्केट फ्लैट या फिर हल्का सा गैप ओपन हो और फिर 17,950 को क्रॉस करें नीचे की साइड तो हमारी एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी एटीन के ऊपर का कोई भी हमारा स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन नहीं होता है और अगर लॉन्ग ट्रेड की बात करें तो एटीन के ऊपर ही हमारे पास कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो पाएगी अब हम सीधे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और डेली कैंडल पर चले जाते हैं पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक आता है आईसीआईसीआई जी आई आप देखिएगा मार्केट में एक दिन वीकनेस दिखाई फिर बाउंस बैक आया बहुत स्ट्रांग मतलब ये इमीजिएटली एक ऐसे लेवल पे है कि जहां से अगर इसे निकलना हुआ इमीजिएटली ये निकल सकता है 1280 के ऊपर इमीजिएटली एक छोटे से ट्रेड के लिए यहां पे एक्टिवेट हो जाएगी ध्यान रखिएगा इस लेवल का कल के लिए नेक्स्ट आता है हमारे सामने स्टॉक जिसका नाम है एच डी एफ सी एम सी इसमें भी सेम लेवल है बार बार ये एक लेवल पर हिट कर रहा है 2200 के ऊपर जाते ही ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव तक के लेवल इमीजिएटली ओपन हो जाते हैं और यहां पे स्टॉप लॉस 10 या 15 पॉइंट के ऊपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है आरई देखिए ये तो स्टॉक अगर आपको पता हो इसने जैसे ही यहां पे अपना एक रजिस्टन्स क्रॉस किया था उसके बाद ये भागे ही जा रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहां पे रजिस्टन्स क्रॉस करने के बाद ये बहुत अच्छा मूव करे जा रहा है जो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अभी भी अगर ये वापस वन 125 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे लिए इमिटी अपॉर्चुनिटी है प्लस अगर इसमें कभी भी रिटर्स होता है 117 के आसपास का तब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है कभी भी मार्केट में करेक्शन की वजह से ये थोड़ा सा रिटेस्ट होता है तो काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहां पे मिल सकती है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें बिना मत जाएगा हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन